मंगलवार को कार्यालय मुख्य अभियंता पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम मोहद्दीपुर में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के सचिव ब्रजेश त्रिपाठी के नेतृत्व में सातवें दिन भारी संख्या में विद्युत कर्मी इकट्ठा हुए और सरकार को सद्बुद्धि आए इसके लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ करने के लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। निजीकरण के विरोध में सभी संगठनों के पदाधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। संघर्ष समिति के सचिव ने कहा कि बिजली बिल जमा करने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, यह जनता की लड़ाई है, हमें इसे शांतिपूर्ण ढंग से लड़ना चाहिए, इसके लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। बात करते हुए सचिव विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के ब्रजेश त्रिपाठी ने कहा, क्या है आज का देखिए, आज सातवें दिन में आज पूरे प्रदेश में, आज पहले तो गोरखपुर और कुछ जिलों में चल रहा था, नहीं आज पूरे गोरखपुर पूरे उत्तर प्रदेश में आज प्रदर्शन हो रहा है। शक्ति भवन से लेकर मेरठ, आगरा, आप गाजियाबाद, देवरिया, कुशीनगर, पड़ौना, इलाहाबाद, बनारस, हर जगह पूरे प्रदेश में आज सरकारी कर्मचारी अपने जो भी निकटतम ऑफिस है, मुख्यालय, वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज का मुख्य कार्यक्रम क्या था? आज का मुख्य कार्यक्रम यह कि जो भी निजीकरण के खिलाफ हम लोग संगठित हुए हैं, इसको तन मन धन से लड़ेंगे, आगे की लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरकार की शुद्धि बुद्धि के लिए हमन किया गया कि भगवान आपको फिर से सोचने की इच्छा शक्ति दें और ये जो निजीकरण के पक्ष में आपने कैबिनेट पास किया है इसको वापस लें। बिजली बिल का जो काउंटर अभी बंद चल रहा है, इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है क्या? देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है। हमने जो हमको व्यवस्था दी गई थी उसको हमने बंद किया हुआ है, कोई बिजली व्यवस्था बिल जमा नहीं हो रहा है। हम उपभोक्ताओं को जो 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने की जो हमारी व्यवस्था है उसको हम बहाल किए हुए हैं, वो हम नहीं बंद करें, क्योंकि हमारे उपभोक्ता के हमारे देवता हैं, समान हैं, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं। हमको शासन से लड़ना है, प्रशासन से लड़ना है, इस सरकार से लड़ना है निजीकरण के खिलाफ, जनता से हमको नहीं लड़ना है। जनता को हमको फीडबैक मिल रहा है, जनता इसमें सहयोग भी कर रही है कि 10 साल से आपका निजी हाथों में यहाँ की बिलिंग व्यवस्था है जो एकदम भ्रष्ट है, कोई भी समय से बिजली बिल नहीं मिलता है। जब पूरी व्यवस्था जब निजी हाथों में चला जाएगा तो हम कहाँ किसके पास जाएंगे? देखिए, मांग पूरी की जाएगी आज नहीं तो कल मांगेंगे, हम लड़ते रहेंगे, हम बैठेंगे नहीं, वापस नहीं होने वाले हैं। जब तक मांग नहीं मांगेंगे, हमको जेल भी जाना पड़े इसके लिए तो हम जेल भी जाएंगे, जिस हद तक जाना पड़े हम जाएंगे शांतिपूर्वक तरह से।